वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे हाथों में है 500 वॉट आरएमएस का एक क्लास डी ऑडियो बोर्ड जो कि आईआरएस 2092 आईसी पे बेस्ड है। अगर आपने ये बोर्ड खरीद लिया है या खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के आपने इस बोर्ड का यूज किया तो ये बोर्ड खराब हो सकता है, आपके स्पीकर खराब हो सकते हैं या पावर सप्लाई भी जल सकती है और आपको करंट भी लग सकता है। तो अगर आप इस बोर्ड का यूज करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने डिटेल में बताया है इस वीडियो में कि इस बोर्ड की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खासियत है, कैसे इसे यूज करना है और क्या क्या प्रिकॉशन सावधानियां हमें इसे यूज करते टाइम में रखनी है। साथ में ही इस बोर्ड की कुछ खासियत और कुछ कमियां भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या पॉसिबल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं जिससे इस बोर्ड का परफॉर्मेंस और अच्छा आपको मिले। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिए, बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें मैंने इसमें आपको बताई है। और दोस्तों, आप सब लोग मेरा चैनल बहुत ज्यादा देख रहे हैं लेकिन उस हिसाब से मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज को शेयर और लाइक कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड ऑनलाइन में अमेजोन और बैंगगुड वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहां पे भी आपको सस्ता हो वहां से ले सकते हैं। अभी इसके रेट कुछ बढ़ गए हैं, नॉर्मली ये 1000 से लेके 1500 रुपीज तक में मिल जाता है और क्लेम किया गया है कि ये 500 वाट आरएमएस का है। तो आइए देखते हैं कि इसकी असलियत क्या है। इसको खरीदने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको खरीदना है तो वहां से भी खरीद सकते हैं। अगर आपके लोकल मार्केट में ये कम प्राइस में अवेलेबल है तो वहां से भी खरीद सकते हैं। तो आइए इस किट के स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो इसकी इनपुट सिग्नल सेंसिटिविटी जैसे मैंने बताया है आपको 1.5 वोल्ट आरएमएस है, यानी कि फुल पावर इस किट से लेने के लिए आपको इसके इनपुट पर 1.5 वोल्ट आरएमएस देना होगा जो कि ऑडियो मिक्सर वगैरह से मिलेगा। अगर इससे वोल्टेज कम है तो आपको पूरी पावर नहीं मिलेगी। और ये एक मोनो एम्पलीफायर है सिंगल चैनल का, अगर आपको स्टूडियो चाहिए तो इस तरह की दो किट की जरूरत पड़ेगी। और इसकी रेटेड आउटपुट पावर है 500 वाट डीसी प्लस माइनस 65 वोल्ट पावर सप्लाई पर 4 ओम के लोड पर। उस समय इसका डिस्टॉर्शन इसका 10% होगा, यानी आप समझ गए होंगे कि 500 इसका मैक्सिमम वाट है थ्योरेटिकली और इसकी एफिशिएंसी 90% है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसका 90 डेसिबल है। करेक्ट इसकी एग्जैक्ट पावर आउटपुट क्या है, तो इसकी एग्जैक्ट पावर आउटपुट है 380 वाट प्लस माइनस 65 वोल्ट पावर सप्लाई पर 4 ओम के लोड पर। और उस समय इसका डिस्टॉर्शन 0.1% रहेगा जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। और ये प्रैक्टिकल आउटपुट इसकी है 380 वाट 4 ओम पर। और अगर आप प्लस माइनस 65 वोल्ट पावर सप्लाई पर ही इसको 8 ओम के स्पीकर से चलाते हैं तो उस समय आपको मिलेगा 280 वाट का पावर आउटपुट आरएमएस में और आपका डिस्टॉर्शन होगा 0.1% और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जैसा कि बता रहे हैं इसमें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। और इसमें आउटपुट शॉर्ट प्रोटेक्शन भी है, स्पीकर प्रोटेक्शन भी बोलने को लगा हुआ है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी है इसमें। और ये फैन जो है हमेशा चलता है, टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है। और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इस किट का टेम्परेचर जब होगा तो ये किट अपने आप बंद हो जाएगी। और इस एम्पलीफायर की लंबाई जो है 9.8 सेंटीमीटर है यहाँ से, यानी कि लगभग 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो है इसकी 4.3 सेंटीमीटर है। इसके अलावा इस किट को आप प्लस माइनस 58 वोल्ट से भी यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस 65 वोल्ट से भी यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम प्लस माइनस 70 वोल्ट से भी यूज कर सकते हैं। 70 वोल्ट से ज्यादा इसको नहीं चलाना है। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा होगा दोस्तों कि इसको चलाने के लिए कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, तो मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस किट को चलाने के लिए यानी 65065 पावर सप्लाई लेने के लिए आपको 45045 के ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी। और कितना एम्पियर चाहिए होगा, तो यानी कि आपके ट्रांसफार्मर में 450 और 045 की दो वाइंडिंग होगी तो ये किट अच्छे तरीके से काम करेगा और हर एक वाइंडिंग में मिनिमम 6 एम्पियर का करंट आना चाहिए। और अगर आप एसएमपीएस यूज करते हैं तो 65065 का एसएमपीएस यूज करें। और दोस्तों, आईआरएस 2092 आईसी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कि टॉप 10 क्लास डी आईसी की वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने उसका डिटेल दिया हुआ है। अगर आप उस आईसी के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां से जाके देख सकते हैं, यहां पे मैं ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। किट को पहले ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। इस किट में मॉस्फेट और आईसी हीट सिंक के नीचे लगे हैं, इसलिए उसे देखने के लिए हमें इस स्क्रू को निकालना पड़ेगा। बहुत आसानी से ओपन हो गया तो धीरे से इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये है आईआरएस 2092 आईसी और ये मॉस्फेट लगे हुए हैं।
तो बाकी ये सब कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक छोटी आईसी भी लगी हुई है जो पावर रेगुलेटर का है, ये आउटपुट की कॉइल है, ये आपकी हीट सिंक है और ये फैन है जो कि हमारे मॉस्फेट और आईसी को ठंडा रखने के लिए लगाया गया है। और इस हीट सिंक पे हीट सिंक पैड दो लगे हुए हैं सिलिकॉन की, आईसी से भी ये टच करता है ताकि आईसी भी थोड़ी ठंडी रहे और मॉस्फेट से भी। तो आईसी का नंबर आप जानते ही हैं, मॉस्फेट भी आइए हम उठा के देख लेते हैं कि कौन से मॉस्फेट हैं। तो थोड़ा सा इसको अपवर्ड करते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं दोस्तों तो ये है FB38N20B, नहीं FB38N20B मॉस्फेट्स हैं, लेकिन अलग अलग बैच की मॉस्फेट्स हैं। वैसे इसमें रिकमेंडेड मॉस्फेट दूसरे होते हैं लेकिन ये चाइनीज किट है तो शायद कॉस्ट सेविंग के लिए इन्होंने ऐसा किया होगा। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहें तो इस पे एक छोटी सी हीट सिंक पेस्ट की सहायता से लगा सकते हैं जिससे कि आईसी आपकी ठंडी रहेगी। और मॉस्फेट्स पे प्रॉपर जगह नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम अलाइनमेंट करें तो यहाँ पे हीट सिंक हम कुछ अलग तरीके से लगा सकते हैं जिससे हमें इस फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फैन ज्यादा पावर के लिए बनाया गया है और हमेशा ये किट इतनी हीट नहीं होती है कि फैन की इसे जरूरत पड़े। तो हमेशा ये फैन चलता रहता है तो थोड़ी आवाज डिस्टर्ब होती है। तो इन कैपेसिटर्स को भी आप निकाल के ज्यादा वैल्यू के कैपेसिटर लगा सकते हैं, और प्रॉपरली अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो इन कैपेसिटर को निकाल के उल्टे डायरेक्शन में लगा दीजिए पीछे से, और ताकि आपको यहाँ पे हीट सिंक लगाने के लिए प्रॉपर जगह बन जाए। तो फिलहाल में इसको हम फिर से रिफिक्स कर देते हैं, एक ही स्क्रू पे लगा हुआ है तो इसकी रिफिक्सिंग भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको प्रॉपरली टाइट कीजिए और ये ध्यान रखें कि मॉस्फेट, अगर आपने निकाल के देखा है तो मॉस्फेट इंसुलेटर से लगे हुए हैं, शॉर्ट ना होने पाए वरना आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। कि बहुत सारे लोगों ने इस किट को लिया होगा, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ये किट से आवाज क्यों नहीं आती, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये किट 50-0-50 यानी कि +50 ग्राउंड और -50 वोल्ट से कम अगर आप इसको सप्लाई देंगे तो ये किट ऑन ही नहीं होती है। मैंने इसे +-42 वोल्ट तक देके देखा है लेकिन ये किट ऑन नहीं हुई, फिर मुझे इसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग निकालनी पड़ी। जब मैंने लगभग इसको 60 वोल्ट के करीब दिया तो ये किट ऑन हो गई और प्रॉपर काम करने लगी। एक बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि इसका ग्राउंड और इनपुट पॉइंट है, तो अगर इसमें इनपुट आप मोबाइल या किसी छोटे मोटे प्री एम्पलीफायर से देते हैं जिसकी आउटपुट पर्याप्त नहीं है तो ये किट अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि इसको फुल पावर देने के लिए 1.5 वोल्ट आरएमएस लाइन लेवल का सिग्नल चाहिए होता है जो कि आपकी ऑडियो मिक्सर या ड्यूअल पावर सप्लाई से चलने वाले ऑप एम्प से मिल सकता है। तो या तो इसे आप ऑडियो मिक्सर से चलाइए या तो कोई प्री एम्प बना लीजिए जो कि ड्यूअल पावर सप्लाई से चलता हो और इतनी पावर दे सके इसको, तभी आप इसकी फुल पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रिकॉशन ये है फ्रेंड्स कि इस किट को कभी भी आप बिना स्पीकर लगाए हुए पावर सप्लाई मत दें, क्योंकि इस किट में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन होती है और इसके आउटपुट पर इस कैपेसिटर और इस रेजिस्टेंस के थ्रू एक जोबल नेटवर्क बना हुआ है। अगर आप लोग जानते होंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को कंट्रोल करने के लिए जोबल नेटवर्क लगाया जाता है। इस जोबल नेटवर्क में कैपेसिटर तो ठीक है लेकिन ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज बहुत कम है, क्योंकि चिप टाइप का एसएमडी रेजिस्टेंस है ये, तो उतनी ऑसिलेशन को ये झेल नहीं पाता है और उड़ जाता है। तीसरी बात, जो आप स्पीकर लगा रहे हैं वो भी कम वाट का मत लगाएं, मिनिमम आप 100 वाट का स्पीकर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल किट है, अगर आपने थोड़ा भी वॉल्यूम तेज किया तो आपके स्पीकर उड़ने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए इस किट को एक पावरफुल स्पीकर के साथ ही यूज करें। और इसमें पावर सप्लाई के कनेक्टर्स काफी कमजोर हैं, 500 वाट के हिसाब से नहीं है, फिर भी कंपनी ने जो दिया है उसे हमें यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज करना है तो आप यहां से ट्रैक से डायरेक्ट पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं, इतने छोटे कनेक्टर्स 500 वाट्स नहीं ले पाएंगे। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे माइनस ग्राउंड और प्लस का सिंबल बना हुआ है, बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है, तो ये कैपेसिटर से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे माइनस इस लाइन पे आपको देना है और इस लाइन पे आप देख रहे हैं प्लस देना है आपको यहाँ पे, और बीच वाला ग्राउंड है। इसमें पावर सप्लाई में रिवर्स प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए आप बहुत ही सावधान रहें। अगर आपने उल्टा लगाया तो तुरंत ही ये कैपेसिटर आईसी वगैरह सब उड़ जाएंगे और आपकी पावर सप्लाई भी खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका पावर सप्लाई बिकॉज बहुत ही हाई वोल्टेज का है इसलिए एक बार कनेक्ट करने के बाद आप इस किट को टच मत करें वरना आपको करंट के झटके लग सकते हैं। और सबसे बड़ी सलाह मैं दूंगा कि अगर आप इसको फर्स्ट प्रोजेक्ट के रूप में ले रहे हैं तो इसको मत बनाइए, आप अगर आपको छोटे मोटे एम्पलीफायर बनाने का एक्सपीरियंस है तभी इसको बनाइए, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई काफी डेंजरस है, काफी बड़ी पावर सप्लाई है, काफी पावरफुल है। अगर आपने छोटी मोटी भी गलती की तो ब्लास्टिंग धुआं वगैरह निकल सकता है, आग भी लग सकती है और करंट के झटके भी लग सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों इस बोर्ड का मॉडल IRS 2092 एम्प
और एक और बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप इस किट को लें तो पहले थॉरली चेक कर लें, क्योंकि मैंने भी जो किट ली थी उसकी ये सोल्डिंग्स प्रॉपर नहीं थी, इसकी वजह से अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी, क्रैकलिंग साउंड आ रही थी। तो ये सोल्डिंग काफी अच्छी क्वालिटी की नहीं की गई है, तो नीचे बहुत ही कम पॉइंट्स हैं इसमें, तो इन पॉइंट्स को आप एक बार रीसोल्डर कर लें। कोई भी पॉइंट इसमें से ढीला है तो क्रैकिंग साउंड आपके ऑडियो में आ सकता है और किट भी नहीं काम करेगी। तो एक बार आप इसको रिफर्बिश कर लें, सारे सोल्डर पॉइंट्स को देख लें और जहां पे आपको सस्पिशन लग रही हो उसको सोल्डिंग आयरन से थोड़ा सा हीट करके सोल्डर वायर फिर से लगा दें। नेक्स्ट एक बहुत ही सीक्रेट पॉइंट है दोस्तों, जो कि किसी को भी नहीं पता है। इस बोर्ड के बारे में मैंने काफी रिसर्च की है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ R13 और R14 नाम के दो SMD रेजिस्टेंस हैं, जिनकी वैल्यू 101 यानी कि 100 ओम्स है। उसमें से जो R13 है उसकी वैल्यू यहाँ पे गलत दी गई है, उसकी वजह से इस किट में ऑसिलेशन आ जाता है। इसको 3K का होना चाहिए, 3.1K का प्रिसाइजली, लेकिन इसको देने से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इस किट की गेन ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप इसको चेंज कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने इस किट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने चेंज करके 2.7K का लगा दिया है, जो मेरे पास अवेलेबल था। ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको आप लगा देंगे तो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये जो प्रीसेट लगे हुए थे, अगर आप एक सिंगल चैनल का एम्पलीफायर बना रहे हैं तो आपको इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये कैरियर फ्रीक्वेंसीज की डिसाइड करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपका क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड स्विच कर रहा है। होता क्या है दोस्तों कि जब दो बोर्ड आप एक साथ यूज करते हैं 2.0 के कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि आप एक ही एम्पलीफायर में एक ही पावर सप्लाई से दो बोर्ड चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में इन दोनों बोर्ड्स में इंटरफेरेंस होता है। और बिकॉज ये क्लास डी बोर्ड फ्रीक्वेंसी पे ही काम करते हैं, तो एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे को इफेक्ट करती है। उस कंडीशन में आपके ऑडियो से विस्लिंग की साउंड आ सकती है, अगर दोनों बोर्ड्स की कैरियर फ्रीक्वेंसी में फर्क है। उस कंडीशन में आप किसी एक बोर्ड की कैरियर फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके उस विसिल साउंड को दूर कर सकते हैं। एक को फिक्स रखिए, एक को ही आप छेड़ के किसी भी बोर्ड में से एक को आप चेंज करके कम या ज्यादा करके उस विसिल को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो विसिल बहुत ही तेज आता है और बहुत ही ऑड होता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया, दो बोर्ड मैंने एक साथ यूज किए। तो इसी वजह से दो अलग अलग तरीके के क्लास डी बोर्ड एक साथ चलाने के लिए एडवाइसेबल नहीं है। और इसी वजह से अगर आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लास डी बोर्ड एक साथ चलाते हैं एक पावर सप्लाई से, तो विसिल आने के चांस होते हैं। तो बाकी बोर्ड्स में ये फैसिलिटी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की नहीं दी गई होती है, लेकिन इस बोर्ड में लकली ये फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावर का बोर्ड है और ऐसी विसलिंग आई तो आपके स्पीकर वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इस बोर्ड को चलाने के लिए ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, और इसमें मुझे काफी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरा ट्रांसफार्मर 60060 का था और काफी हैवी ये ट्रांसफार्मर है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका वेट अप्रोक्सीमेटली कुछ 10 kg होगा। तो इस ट्रांसफार्मर को जब भी मैंने चलाने की कोशिश की अपने घर में डायरेक्ट, तो मेरी MCB ट्रिप हो गई। इस वजह से मैंने टेम्परेरली एक सॉफ्ट स्टार्ट के लिए NTC लगाया हुआ है। तो सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट आप जानते होंगे कि एम्पलीफायर्स में काफी जरूरी होता है। जहां भी आप काफी पावर का एम्पलीफायर यूज करते हैं वहां पे सॉफ्ट स्टार्ट के बिना काम नहीं करता है। और बिकॉज ये 60 वोल्ट का था इसलिए मैंने एक अलग से इसमें ये, लेकिन ध्यान रखिएगा ये परमानेंट जुगाड़ नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए। इस तरह के बड़े ट्रांसफार्मर अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक प्रॉपर सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट की जरूरत होगी, जो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। SMPS पावर सप्लाई इंडिया में मिलती नहीं है 65065 की, तो आपके पास ट्रांसफार्मर ही सहारा है। अगर आपको SMPS पावर सप्लाई 65065 की मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसे आप यूज कीजिए। और बिकॉज मेरे पास एक कंबाइंड बड़ा कैपेसिटर नहीं था और इस तरह के कैपेसिटर मेरे पास काफी थे, इसलिए मैंने एक कैपेसिटर बैंक बना दिया। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये 680 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है 100 वोल्ट का, तो 680 के मैंने लगभग 17 कैपेसिटर पैरेलल में लगाए हैं, एक सप्लाई के लिए, पॉजिटिव के लिए ये और निगेटिव के लिए भी 17। तो इस तरीके से मेरा एक टेम्परेरी पावर सप्लाई बन गया है। तो इस तरीके का अगर आपके पास छोटा कैपेसिटर हो तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ कम से कम 20,000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर पर चैनल में यूज कीजिए। 10,000 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट के चार, एक के लिए चाहिए आपको, तो दो के लिए आपको 8 कैपेसिटर चाहिए। 6 से भी काम चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 6 मिनिमम रखेंगे तो अच्छा आएगा। तो ये बोर्ड हो गया, ये इसका रेक्टिफायर हो गया और ट्रांसफार्मर आप देख ही रहे हैं। मैं आपको वोल्टेज मेजर करके दिखा दूंगा
और चला के दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये चल रहा है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों कि ये बहुत ही डेंजरस एम्पलीफायर है, ये प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप नए हैं, फर्स्ट हैंड है, तो इसको ट्राई मत कीजिए काफी, क्योंकि काफी ज्यादा वोल्टेज है इसके अंदर। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ब्लास्टिंग हो सकती है। और ये वायर्स भी अभी भी फिलहाल मेरे पतले हैं, तो इसमें पूरी वायरिंग के लिए आपको 2.5 mm से ज्यादा का वायर यूज करना है, तभी अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि ये कनेक्टर 500 वाट के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए। तो ये मेरा प्लस लग गया, इसको अच्छे तरीके से आप टाइट कर दीजिए। ये बीच वाला मेरा ग्राउंड है ब्लू, और ये निगेटिव है। जैसा कि आप देख रहे हैं कैपेसिटर के निगेटिव से आया है, तो इसको माइनस में लगा देते हैं। आपको मैंने बताया था कि स्पीकर के बिना इसको नहीं चलाना है, तो आइए एक स्पीकर मैं लगा लेता हूं यहाँ पे 100 वॉट्स का। मैं इसको एक्चुअली आपको 500 वॉट RMS स्पीकर पे लगा के दिखाऊंगा। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ। ट्रांसफार्मर से कितनी वोल्टेज आ रही है, ये मेरा कनेक्शन सही है या नहीं है, पहले मैं चेक कर चुका हूँ कि मेरी वोल्टेजेस प्रॉपर है या नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप सारा कुछ एक साथ लगा के एक साथ ही ऑन कर दीजिए, ग्रेजुअली कीजिए। पहले अपने ट्रांसफार्मर को चेक कीजिए, रेक्टिफायर को चेक कीजिए, अपने कैपेसिटर को चेक कीजिए, यहाँ पे सप्लाई चेक कीजिए कि प्रॉपर और इक्वल आनी चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। माइक मिली वोल्ट्स का फर्क चलता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको सिमेट्रिकल सप्लाई चाहिए होती है। तो आइए इस सेटअप को हम टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसको मैं ऑडियो मिक्सर से सिग्नल देने वाला हूं, और जैसा कि आप देख रहे हैं वॉल्यूम कंट्रोल मैंने यहां पे लगा रखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं। तो ऑडियो आ चुकी है हमारे इस बोर्ड में। मैं बेस लेवल भी घटा बढ़ा के आपको दिखाता हूं। ये नॉर्मल बेस लेवल है, ऑडियो क्वालिटी चूंकि ये बहुत बड़ा, बिकॉज ये बहुत बड़ा एम्पलीफायर है, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी मैं आपको तेज करके घर में नहीं सुना सकता हूँ। फिर भी आपको अंदाजा मिल गया होगा कि किस तरह की ऑडियो इसमें आ रही है। फ्रेंड्स, मैं बोल सकता हूं कि इसकी ऑडियो काफी क्लियर आ रही है, और बेस भी बहुत अच्छा है, इसमें पावर भी बहुत अच्छा है। होम यूज के लिए बेसिकली नहीं है, फिर भी आप ये यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल यूज में हम इसे ले सकते हैं। और मैं बिकॉज घर में हूं, इसलिए बहुत ज्यादा इसको टेस्ट नहीं कर पाया, बहुत तेज ऑडियो में जितना भी पॉसिबल था मैंने आपको सुनाया। और फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑडियो जब कम होती है तो कोई नॉइज भी नहीं आती है ऑडियो में, हिसिंग हमिंग कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑडियो है। इस बोर्ड को आप बिल्कुल ही यूज कर सकते हैं, और मैं अभी इसे 500 वाट RMS के स्पीकर में बजा रहा हूं, उसके लिए एनफ आउटपुट पावर दे रहा है दोस्तों। ये था इस एम्पलीफायर का फुल रिव्यू दोस्तों, कैसा लगा आपको अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, और मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहिए ताकि मैं इसी तरीके के नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।